प्राइम मिनिस्टर साहब लाखों की सूट पहनते हैं, मेरा एसपीओ 6,000 तनख्वाह लेते हैं। अहद किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट हर तहसील में जाऊंगा, भाजपा के खिलाफ में ढोल बजाऊंगा। किसी को डरता है न शेर, किसी को झुकता है। जब शेर घर से निकलता है गीदर भाग जाते हैं। न शेर किसी को डरता है, न शेर किसी को झुकता है। मोदी तेरी राज में बच्चे भूखे मरते हैं, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडा कर दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरे गुंडा कर दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तकबीर नाराई, तकबीर नाराई। सलाम शैतानी रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिस अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। मैंने मरकजी सरकार से दो साल तक, आज हो गया पूरा दो साल हो गया जो मैंने आज तक मरकजी सरकार से डिमांड रखी है, उसने आज तक वो हमारी डिमांड पूरा नहीं किया है। डिमांड तो हमारी जो पीजी करके डिग्री करके पूरे जम्मू कश्मीर का युवा आज ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। मैंने उनको बताया कि हमारे नौजवानों को रोजगार दे दो, तो कुछ नहीं हुआ। और दूसरा, हमारा जम्मू कश्मीर का डिलीवेजर 70-80 हजार, चाहे कैजुअल लेबर हो चाहे डिलीवेजर हो, जो 15-20 साल से काम कर रहे हैं, उनको भी नजरअंदाज किया। और जम्मू कश्मीर का एसपीओ जो हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब लाखों की सूट पहनते हैं, मेरा एसपीओ 6,000 तनख्वाह लेते हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस जो बाहर के सीआरपीएफ वालों को 17,000 इसके अलाउंस मिल रहा है, हमारे जेंट के पुलिस को 100 रुपया अलाउंस मिल रहा है। मैंने 5-6 डिमांड उनको डिमांड रखी है, तो अभी तक कोई डिमांड पूरा नहीं किया है। मैंने ईद तक उनको अल्टीमेटम दिया है, तो उन्होंने अभी तक माना नहीं। मैंने ये अहद किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट हर तहसील में जाऊंगा, भाजपा के खिलाफ में ढोल बजाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे पूरा भरोसा है जम्मू कश्मीर के लोगों पर, इस बार पठानकोट से आगे भाजपा को भगाएंगे और जम्मू कश्मीर को हम बचाएंगे। ये वादा है मेरे साथ, वादा करो, वादा करो, जोर से बोलो, वादा है, वादा है, ये वादा करना है। क्योंकि भाजपा सरकार ने हमारे जम्मू कश्मीर को तबाही के दाहने पर लाया, उन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर बर्बाद किया है। इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम रहा। कल तो मेरा प्रोग्राम था लाल चौक में, यानी मैं 2 घंटे में बंद था। तो मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह ताला को। जब शेर किसी को डरता है, न शेर किसी को डरता है, न शेर किसी को झुकता है। जब शेर घर से निकलता है गीदर भाग जाते हैं। न शेर किसी को डरता है, न शेर किसी को झुकता है। ये मेरे नौजवानों, ये याद रखना, सिर्फ डरना है सिर्फ अल्लाह ताला को। ये जंग है बबर शेर का जंग। इस जंग में जम्मू कश्मीर का युवा को शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है अगर जम्मू कश्मीर का युवा इस जंग में मैं शामिल करूंगा, उनको या तो पैसे लगाएंगे या तो उनको जेल में डालेंगे। कि हमारे जम्मू कश्मीर का यही मसला चल रहा है, जो हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, या तो उनको पैसे लगाते हैं या तो उनको जेल में डालते हैं। लिहाजा करके मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, बिजनेस की तरफ ध्यान देंगे, अच्छे अच्छे कारनामा करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। जो बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से खासकर काजगुंड के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पर सबको फर्ज बनता है, इस ड्रग्स के खिलाफ, इस शराब के खिलाफ रोक लगाए, हर घर जाए इस पर रोक लगाए। क्योंकि आज 6 लाख हमारे नौजवान जो पीजी करके डिग्री करके आज ड्रग्स की तरफ जा रही है, क्या रोजगार के बदले या शराब या ड्रग्स देके हमारी सरकार ये बबर शेर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बबर शेर ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने जुल्म के खिलाफ
काला झंडा उठाया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बार मिल के काम करेंगे, भाजपा को यहाँ से जम्मू कश्मीर से भगाएंगे, ये वादा है। अब चल रहा हूँ साढ़े सौ क्या हुआ है?